subscribe to Shemaroo Shorties and click the bell icon to never miss an update. आज पूरे 9 साल का हो गया है, फिर भी शरारत की आदत नहीं गई। चल उठा ग्लास। पी, जल्दी। 20 पैसे दो ना। नहीं मानेगा तू? अच्छा बाबा, मैं दे दूंगी 20 पैसे। चल जल्दी कर कन्हैया, आज तो बहुत देर हो गई। वहां जमींदारनी जी मेरी जान को चिल्ला रही होगी। अरे ओ शारदा, चाय के अगले जन्म में ले आएगी? ले आई मालकिन। बड़ी मेहरबानी की। मेहमान घर में हो तो नौकर को चाहिए घंटा आधा घंटा जल्दी आ जाए, लेकिन ये तो जानबूझ के देर से आएगी। भूल हो गई मालकिन, मैं माफी चाहती हूँ। बस बस, रहने दे तेरी लल्लो चप्पो, उठाकर ले जा सारे बर्तन यहाँ से। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ बेटी, तो ऐसे तुम बेच दो, मैं तुमको इसके अच्छे पैसे दूंगा। नहीं नहीं लाला, ये हार मेरे गुजरे हुए दिनों की, अनमोल रिश्तों की सुनहरी लड़ी है, और रिश्ते कभी बेचे नहीं जाते। ये मेरी माँ की निशानी है, मैं जल्द ही आपके पैसे चुकाकर इसे छुड़ा ले जाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। बोलो कितने रुपए चाहिए? 30 दीदी जी। बस, अरे बेटी, एक ही एक तो बेटा है, और फिर साल में एक बार ही तो जन्मदिन होता है, उसमें क्या कंजूसी करना। राज तुलारा, आपका तारा, बेटा मेरा प्यारा, मैं हूँ सहारा तेरा, चल तू मेरा सहारा। राज दुलारा, आपका तारा, मालकिन, आपने बुलाया मुझे? अरे हाँ, वो टेबल पे पैसे रखे हैं, जा बेटी ले ले। अकेला ट्रस्ट कितनी सहायता करेगा, कितनी करेगा? समझा। मैं अपनी तरफ से कुछ भेंट कर सकता हूँ? भला, पुण्य के काम में मैं अपना मुंह खोलकर पाप का भागी बनूंगा? लीजिए। सत्यानाश। धन्यवाद। मैनेजर साहब जी, मैं गांव की तरफ से गेहूं और चावल भी भिजवा देता हूँ। आप धन्य है। ऐसे ना खुजली के पाउडर मेरे आंख पे डाल के। पाउडर तो जाके नदी में खुद पड़ी है ना, जाइए आस्ते आस्ते। ये किसकी शरारत है बच्चों? ठीक है, टूट। ये क्या है बाबूजी? मैं नहीं जानता। मगर मास्टर जी, मैं नहीं जानता, वो पाउडर मैंने नहीं फेंका था। बे कहा ना मुर्गा बन, मास्टर से मजाक करता है, आज तेरा खाना पीना बंद। कौन है? कन्हैया भागता क्या है? पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चलो। काली भूतनी? हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ हाँ, सबको मिलेगा, ये ले। हाँ, और अब ये मैं खाऊंगी। अरे तू कौन है? कन्हैया। दादू इसे कल अपने साथ लाया है। बड़ा प्यारा बच्चा है। तुम इससे बातें करो, मैं जरा तैयार होकर। ये ले, सेब खा ले। नहीं। क्यों, पसंद नहीं है क्या? पसंद तो है, लेकिन इसे मैं खाऊंगा तो आपको नहीं मिलेगा। अरे वाह, तू तो बड़ा दिलवाला निकला रे।
आज की कमाई की पोटली। अबे लौंडा कौन है बे? ये अपन का दोस्त कन्हैया, नया साथी अपने रहीम चाचा ना, उन्होंने कहा कोई बड़े काम के लिए एक नए छोकरे की जरूरत है, उन्होंने भेजा है, चलेगा क्या? तूफान के अंदर दिया जलाने का कोशिश करेगा ना, तेरा हाथ भी सब जल जाएगा। अपन जिस पाप और बुराई के गंदे दलदल में फंस गया है ना, उसके अंदर तेरे सुनहरे ख्वाब के लिए कोई जगह नहीं। क्यों नहीं है माधव? आखिर भगवान के मंदिर में चलने वाले कमल के फूल कीचड़ में तो खिलते हैं ना। और जो उस कीचड़ से निकलने के बाद चार दिन में मुरझा जाते हैं। देख सोना, ये फजूल के ख्वाब देखना छोड़ दे तू। नमस्ते जी। जवाहरलाल जी, जी हमारा तोहफा रायसा तक पहुंचाना मत भूलिएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए ठाकुर साहब। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? चोरी इसने नहीं की, इसने तो शोर मचाकर मुझे चोर से आगाह किया। तो चोरी किसने की? वो तो कोई दूसरा ही था। तो ये बेचारा मुफ्त में मारा गया। वो कितनी चोट आ गई इस बेचारे को, इसे तो किसी डॉक्टर के पास ले चलना चाहिए। आओ बेटे। अरे अरे, कन्हैया के बारे में कुछ सोचा? अरे चाचा, वो जहाँ भी एक खुश है, तू उसे वापस यहाँ क्यों घसीट रहा है? डरो मत, मैं कन्हैया को जानती हूँ, वो किसी से कुछ नहीं बताएगा। बता सकता है, कन्हैया को ढूंढने का जिम्मा तेरा, लेकिन ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। बेटे तुम्हारा नाम क्या है? तुमने अपना नाम नहीं बताया। कन्हैया। वाह कितना अच्छा नाम है। अच्छे तो आप है ठाकुर साहब, आप मुझे अपने घर लाए, मेरे लिए इतना कष्ट उठाया। पहले हम नीचे चल के नाश्ता करते हैं, फिर सोचते हैं तुम्हारे बारे में क्या। माँ, ये मेरी माँ है। क्या क्या नाम है तुम्हारी माँ का बेटे? शारदा देवी। शारदा। पिता का नाम? जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश, तो तुम शारदा के बेटे हो? मेरी शारदा के बेटे, मेरे बच्चे। लेकिन ठाकुर साहब, आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं? जैसे एक बाप अपनी बेटी को जानता है। हाँ मेरे बच्चे, शारदा मेरी अपनी बेटी है, मेरा अपना खून। बताओ कहाँ है, कहाँ है मेरी शारदा? मैं अभी इसी वक्त उसे अपने घर ले आऊंगा और फिर कभी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगा। बोल बेटे, बोल, तू चुप क्यों है? ठाकुर साहब। बोल बेटे। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। ठाकुर साहब। आई एम वेरी हैप्पी अंकल, अपन का कन्हैया मिल गया। लेकिन शारदा सिस्टर किधर है? हम उनको घर के अंदर में देखा नहीं। प्रताप, शारदा हमारी जिंदगी से बहुत दूर चली गई है, वो अब इस दुनिया में नहीं। क्या? लेकिन अंकल, ये कन्हैया, आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये शारदा का बेटा है? और फिर वो यहाँ आया कैसे? अनाथालय से भागकर। अनाथालय? You mean orphanage? हाँ, और ये सब हमारी इस झूठी शान और घमंड का नतीजा है कि इतनी बड़ी जायदाद के अकेले वारिस को अनाथालय में रहना पड़ा। बेटे, मैं ठाकुर साहब की दवाइयां ले आता हूँ, तब तक तुम टैक्सी रोक लेना। हा? अच्छा। क्यों दोस्त, क्या हाल चाल है? आप लोग? हेलो, तुम्हें रहीम चाचा ने बुलाया। मैं नहीं आऊंगा। चंदो कुकु, वो लड़का आपको, हमको, सबको फुल बनाया। वो आपका ग्रैंडसन नहीं, एक नंबर का चीटर था। ये देखिए ऑर्फनेज का सर्टिफिकेट, इसमें क्लियर लिखा है कन्हैया शारदा सिस्टर का बेटा नहीं, कोई आशा बाई का छोकरा होता। ये देखो, बच्चा ऐसा नहीं, वो बच्चा ऐसा नहीं। सुनिए रुक जाइए, आप ये तो बतलाइए कि यह हार आपको कहाँ से मिला? जी हाँ हाँ बोलिए। बापू, छोड़ दीजिए मुझे। अरे अरे श्रीमान जी, क्या कर रहे हैं आप? भाई साहब, आप मुझे गलत मत समझिए, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि यह हार आपको कहाँ से और कैसे मिला। क्या मतलब? यह हार मेरी स्वर्गीय धर्म पत्नी की निशानी है, जो मैंने उनके कहने के मुताबिक अपनी बेटी को दी थी। ये फोटो को बराबर देखो मैं और फिर से पहचानो। ये तस्वीर उसी शारदा देवी की है। मालिक, ये लीजिए। जौहरी साहब, आप जरा इसे पहचानिए, बताइए ये कौन है? ये शारदा देवी का बेटा कन्हैया है। सुना तुमने प्रताप, कन्हैया हमारी शारदा का ही बेटा है।
हमारी अपनी शारदा का। कन्हैया को लौटाने का इनाम 10,000 रुपए। 10,000? इशारे देने वाले का नाम ठाकुर रणवीर सिंह। ठाकुर रणवीर सिंह। हेलो, ठाकुर रणवीर सिंह से बात कर सकता है क्या? नो, वो हॉस्पिटल गया है चेकअप के वास्ते। देखो, तुम्हारे कन्हैया ना वो अपने पास है, अगर तुमको कन्हैया वापस मांगता है ना तो ठीक 9 बजे वर्सोवा के कब्रिस्तान पर इनाम का पैसा लेके आ जाओ। क्या कन्हैया उधर ही मिलेगा तुमको। यस सर। वो फोन तुम लोग किया था? हाँ, मान लाया। यस मैम, देखो लेकिन कन्हैया किधर है? वो भी आ जाएगा। ए छोकरी, कन्हैया को ले गया। तुम हमको इधर क्यों बुलाया? तुमको किसी का कोई डर होता क्या? सेठ, माधो किसी से डरता फिरता नहीं क्या? सब लोग अपने से डरते। ऑफ कोर्स मैन, हम तुमको 10,000 की जगह पर इस काम का पूरा 20,000 रुपए देगा। बोलो मंजूर है मैन? मंजूर है सेठ। पर ये तो कलयुग है, कलयुग। इसमें कंच मामा की जीत होगी और कन्हैया बेचारा बेमौत मारा जाएगा। फैसले की घड़ी आ गई सोना। एक तरफ तेरे वो सारे अरमान, वो सारी खुशियां हैं जो माधव के अलावा तुझे कोई नहीं दे सकता, और दूसरी तरफ मासूम कन्हैया की जिंदगी। क्या तू उसके खून से अपनी मांग सजा सकेगी? क्यों डर गई सोना? रूपा, तू इन लोगों के साथ क्यों? माधव सिंह का साथ देकर मुझे क्या मिला? कन्हैया की जिंदगी का सौदा अब हम करेंगे। लाओ इसे। कभी नहीं, मैं कन्हैया को तुम जैसे मक्कार के हवाले कभी भी नहीं करूंगी। चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। लाओ इसे। रूपा, तुम सब लोग कन्हैया को लेकर अपने अड्डे पर पहुंचो। मुझे 40 सोन का कर्ज चुकाना। ये छोटे ठाकुर का जैकेट छोड़ गया, साथ में ये कागज भी था। ये तो किसी का लेटर लगता है। देखें सुनीता, सर ये पढ़ देना, मेरा चश्मा नहीं। ठाकुर साहब प्रणाम, आपको हमारा तोहफा जरूर पसंद आया होगा। हमने सोचा है कि इतनी बड़ी जायदाद के वारिस के लिए सिर्फ 10,000 रुपए का इनाम ठीक नहीं। अगर आप कन्हैया की जिंदगी चाहते हैं तो कल रात 5,00,000 रुपए लेकर ट्रॉम्बे के पास जॉन एंड कंपनी के पुराने गोदाम पर आ जाना। अगर आपने ऐसा नहीं किया या पुलिस को इस बात की खबर की तो अगली सुबह कन्हैया की लाश घर की चौखट के बाहर मिलेगी। यह हाल तेरा किसने किया? बोल, किसने यह हाल किया तेरा? एक छोटी सी बात मान ले रहे। बस कर सोना, बस। वो कन्हैया है ना, वो मेरा छोटा सा भाई नहीं, हमारा बेटा भी है नहीं, जो शायद मेरे बाप के भी नहीं था। क्या तू उसे भी माधव सिंह बनना चाहता है? नहीं। देख माधव, तूने सारी जिंदगी हुई क्या जो बुरा था, बाप था, आज मेरी कहते तो ये हुए पूरे 5,00,000 रुपए। हाँ, अब किसी तरह हमारा कन्हैया सही सलामत मिल जाए। जी चलो प्रताप, कहीं देर ना हो जाए। रुक जाओ ठाकुर साहब, जो खुद गलत है वो किसी को सही सलामत क्या पहुंचाएगा। ये लो, ये
ये रुपए अपने कंश मामा ने दिया था कन्हैया खत्म करने के वास्ते। प्रताप, व्हाट नॉनसेंस! अंकल ये आदमी बिल्कुल झूठ बोलता है, हम तो इसको लाइफ में फर्स्ट टाइम देखता है। झूठ मत बोल साले, झूठ मत बोल। हम कुछ नहीं जानता। बोल, बोल सुअर के बच्चे। नहीं नहीं, इन्हें मत मारिए, मत मारिए। बस कीजिए, बस कीजिए और मत मारिए इन्हें। मैं सब कुछ कहने को तैयार हूँ। सुनीता, भाड़ में जाए ऐसी जायदाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाचा जी, ये सच है, ये रुपए इन्होंने ही दिए थे कन्हैया को मरवाने के लिए। क्या? हाँ, और वो अनाथालय का सर्टिफिकेट भी छूटा था। हम चाहते थे कि कन्हैया आपसे दूर हो जाए ताकि आपकी ये जायदाद हमें मिल जाए। अब मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिर सकते हो। अंकल, आई एम वेरी सॉरी अंकल। चले जाओ, मैं तुम दोनों की सूरत तक नहीं देखना चाहता। गेट आउट। जॉन एंड कंपनी, तूने ठीक ही कहा था, ये बढ़ऊ अपने वारिस को बहुत प्यार करता है। हमने तो सिर्फ मूल ही मांगा था। मूल ब्याज का हिसाब बाद में करूंगा कफन चोर, पहले कन्हैया को ठाकुर साहब के हवाले कर दे। मगर रुपए? ठाकुर साहब, गिन ले, गिन ले। गिनता हूँ। नाना जी, अरे चल। मेरे बच्चे। ठाकुर साहब, इतनी भी जल्दी क्या है, पहले हमारा सौदा तो पूरा हो जाने दीजिए। कफन चोर, तेरा सौदा पूरा हो चुका है, तुझे पैसा मिल गया ना, कन्हैया को ठाकुर साहब के हवाले कर दे। माधो, राणा इतना बेवकूफ नहीं जो जीती हुई बाजी अपने हाथ से जाने दे। तू हिसाब करने आया था ना, ले मैं खाता खोले देता हूँ। खबरदार माधो, अगर तूने किसी पे हाथ उठाया तो कन्हैया अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। नहीं। जानट, खबरदार कोई अपनी जगह से हिला, गिरफ्तार कर लो इन सब लोगों को। कन्हैया, कोई अंदर है। ठाकुर साहब, कन्हैया, अंकल, अंकल, कन्हैया। भगवान का लाख शुक्र बेटा कि तुम जिंदा हो। नाना जी, माधव भैया कहाँ है? इन हाथों ने हमेशा मासूम भैया का गला घोटा, गुनहगार हैं। आज कड़ी लगा दीजिए। यादव जी साहब,